हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ जानकी जोशी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ आज के दिन में। और आधे दिन का मेरा ब्लॉग रहेगा, पूरे दिन का नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया और क्या खिलाया बच्चों को, और क्या मैंने खाया और क्या क्या मैंने किया आज के ब्लॉग में। तो मेरी पूरी वीडियो देखें अंत तक और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आज सुबह नाश्ता वगैरह बनाया, घर का काम करा, फिर उसके बाद मैंने फटाफट से गेहूँ साफ़ करे, क्योंकि कल से जो है लॉकडाउन था तो मेरे को फटाफट गेहूँ साफ़ करना था और चक्की पहुँचाना था। तो मैंने गेहूँ साफ़ करके चक्की पहुँचाया, उसके बाद मैं घर आई और फिर मेरे दिन के खाने की तैयारियाँ शुरू हो गई। बच्चों ने बोला, मम्मी आज हम भटके डुबके खाएंगे। और तो फिर क्या था कि मैंने बच्चों के कहने पर, बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी है, तो फिर मैंने भट भिगाए तो नहीं थे, क्योंकि ये पहले भिगाने भी पड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना, रात को भिगा देते हैं तो सुबह फूल जाते हैं, तो अच्छे से इसको सिलबट्टे में पीसते हैं। तो मैंने ऐसा तो किया नहीं था, मैंने भिगाए थे तो जल्दीबाजी में मैंने मिक्सी में पीसे और इसे मैंने लहसुन डाला, अदरक डाला और हरी मिर्ची साथ में पीस दी। उसके बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस के बढ़िया तरीके से, और फिर इसको मैंने इसी में मैंने मसाला भी डाल दिया, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा वगैरह सभी कुछ मैंने इसमें डाल के और इसको बारीक करके मैंने पीस लिया। और अच्छे से इसको पीस के, ये देखिए बिल्कुल पीस चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें आटा डालना पड़ता है, क्योंकि आटा डालने से ही डुबके जो हैं वो अच्छे बनते हैं। अगर हम इसमें आटा नहीं डालेंगे तो ये फटे फटे से हो जाते हैं, तो आटा डालना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और मैंने इसमें आटा डाल दिया, अब मैं इसको चढ़ाऊँगी लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में ही बनते हैं और एलुमिनियम की कढ़ाई में नहीं बनाए जाते, लोहे की कढ़ाई में ही बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें पानी डाला, उसके बाद मैंने इसमें भट पीस के, जो मैंने भट पीसे हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए और अच्छे से पूरे साफ़ करके मिक्सी से निकाल के मैंने इसमें डाल दिए और गैस मैंने ऑन कर दी। तो ऐसे ही भटके डुबके बनाए जाते हैं, इसमें तड़का जो है वो बाद में लगता है और पहले इसको अच्छे से पकाया जाता है। और अब मैं इधर चावल साफ़ कर लूँगी जब तक मेरे भटके डुबके बनते हैं, और इसमें टाइम लगता है पकाने में, काफ़ी पकाने पड़ते हैं, अच्छे से पकाने पड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तब तक मैंने चावल साफ़ कर दिए और अब मैं काट लूँगी प्याज, और सलाद के लिए मैं खीरा काटूंगी, प्याज काटूंगी। और इधर मेरे डुबके भी बनते रह रहे हैं, इनको भी मेरे को हिलाते रहना पड़ता है, और खीरे का जो ऊपर का होता है ना कड़वापन, ये भी निकालना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही काटते हैं खीरा, क्योंकि उसका जो कड़वापन है ना वो निकाल लेते हैं, तो उसको निकालने के बाद जो है वो खीरा मीठा होता है, अच्छा होता है, तो इसलिए करते हैं हम लोग। अगर आप लोग भी ऐसा ही करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डुबके मेरे बन रहे हैं, इधर गैस मैंने कम कर दी है, क्योंकि ये तेज़ गैस में पकाऊंगी तो ये सारे उबाल भी बहुत जल्दी चले जाते हैं, अगर उबाल चले गए ना तो इनका पूरा टेस्ट ख़राब, जो पूरा अच्छा टेस्ट होता है ना, जो ऊपर से जो होता है उसका, वो पूरा निकल जाता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको धीमी आँच करनी पड़ती है शुरुआत में, और फिर बाद में भले ही तेज़ कर लो। तो इधर मेरा सलाद कट चुका है और डुबके मेरे तैयार होने वाले हैं, और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चढ़ा दूंगी इधर छोटे वाले गैस में चावल चढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं पूरा अपना स्लैब जो है ना वो साफ़ करूंगी, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, सफाई भी मैं करते रहती हूँ, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो बीच बीच में सफाई जो भी छीटे वीटे पड़ते हैं तो उसको साफ़ करते रहती हूँ। इधर देखिए मेरे बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ है, बर्तन भी साफ़ करूँगी, पहले मैं चावल चढ़ा दूँगी, उसके बाद जो है मैं बर्तन धोऊँगी। हम औरतों का क्या है ना, ज़्यादातर टाइम जो है वो किचन में ही निकल जाता है, क्योंकि पूरा दिन किचन में ही हमारा ज़्यादा टाइम निकलता है, सुबह नाश्ता बनता है, दिन में खाना बनता है, शाम को खाना बनता है, और भी किचन के कई काम हो जाते हैं, कुछ सुखाना है, वो है, तो बहुत सारे काम होते हैं, और प्लस बाहर के भी इतने काम होते हैं, मेरे तो सारे काम होते हैं, क्योंकि मुझे बाहर भी देखना है, अंदर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो सारा काम तो मैं खुद ही करती हूँ, और तो कोई है नहीं करने वाला, हाथ बटाने वाला, तो पूरा दिन सुबह से शाम कब निकल जाती है भैया, पता ही नहीं चलता है, तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं।
तो अब मैंने क्या करा, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक को मैं कैसे डालती हूँ, पहले इसमें कटोरे में नमक निकाल लेती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर से मैं गरम जो दाल होती है डुबके जो है मेरे वो डालती हूँ, उसके बाद उसको हिला के फिर उसमें डालती हूँ। कच्चा नमक डालो ना तो फिर एकदम से फट जाते हैं, तो मैं इसमें कच्चा नमक नहीं डालती हूँ। और मैं धो रही हूँ बर्तन, दाल मेरी बनने वाली तैयार होने वाली है और चावल मैंने चढ़ा दिया है। अब मैं फटाफट से बर्तन धोऊंगी और बर्तन धोने के बाद फिर मेरा खाना लगेगा। अब इधर देखो, मेरा छोटा वाला बेटा जो है ना, ये बहुत परेशान करता है मेरे को, अब फिर मेरे पास आ गया। और इसको ना बीच बीच में ऐसे प्यार करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करता है, कभी गिर जाता है, कभी लग जाती है इसको, कभी कुछ ज़्यादा थोड़ी भी कहीं पर ज़रा सा भी चोट वटक लगती है तो फिर मेरे पास आता है। तो मैं कभी तो मैं इसको डांटती हूँ और कभी मैं इसको प्यार करती हूँ। कभी इसको डांटती हूँ तो मार के आता है, और लग जाती है तो फिर मेरे पास आता है। छोटा है ना अभी, तो बार बार मैं इसको प्यार करना अच्छा लगता है उसको, तो मैं इसको प्यार करते रहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को बुलाने के लिए कि आ जाओ, अब खाना लगाओ और खाना खाओ और दरी बिछाओ नीचे, क्योंकि मैं तो नीचे ही खाना पसंद करती हूँ। मुझे कुर्सी में खाना या टेबल में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नीचे बैठ के खाना खाती हूँ। तो मैंने बच्चों से बोला कि फटाफट आओ और खाना लगाओ नीचे। तो ये हो गया है मेरा तैयार खाना। और अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं तड़का लगाऊंगी, जो मैंने पहले तड़का नहीं लगा रखा था। मैंने आपको बताया था कि मैं तड़का पहले नहीं लगाती हूँ, तो अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का डुबके में, क्योंकि अब तैयार हो चुके हैं, चावल बन गया है। तो तड़का लगाने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया जीरा, और जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया हींग, और अब मैं इसमें डालूंगी दो लाल मिर्ची। लाल मिर्ची का जो है ना टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जम्मू, जो हमारे पहाड़ में बोलते हैं जम्मू, इंद्रायणी इंद्रायणी क्या क्या बोलते हैं, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया है तड़का। ऊपर से तड़का लगाने का ना अलग ही स्वाद आता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है ऊपर से तड़का लगाने के लिए। लो ये मेरा हो गया है तैयार, और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया। हमारे पहाड़ में है ना, जो मतलब पहाड़ी होके अगर हमने भटके डुबके नहीं खाए ना, तो हम पहाड़ी नहीं है समझो तुम। बहुत अच्छे होते हैं भटके डुबके, और पहाड़ियों का फेमस जो खाना होता है वो भटके डुबके और चावल, भटकी चुरकानी, यही चीज़ें जो है होती हैं वो हमारे लोगों में ज़्यादा फेमस हैं। और अब हम लोग खाएंगे खाना। सबसे पहले मैं दे दूंगी बच्चों को, एक एक करके बच्चों को दूंगी। और सबसे पहले छोटे जो मेरा काना है ना, इसको मिलेगा, क्योंकि ये मम्मी मम्मी करके बहुत परेशान करता, तो सबसे पहले इसी को दे दिया मैंने। एक एक करके सबको दे दिया, और उसके बाद फिर जो है लास्ट में मैं खाना खाऊंगी। तो दोस्तों, अब मेरा खाना सबको दे दिया है मैंने, और अब मैं खाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और भटके डुबके अच्छे लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक करना वीडियो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, बाय। अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना अपने घरों में। बाय बाय, टेक केयर।